हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो गाइस, आज हमारे एक हाथ में है पेट्रोल और दूसरे हाथ में बॉम्ब, और आप सोच रहे हैं ये बंदा करने वाला क्या है। तो भाई, आज मैं इन दोनों को आपस में भिड़ाने वाला हूँ, और इसको भिड़ाने के बाद रिएक्शन क्या होगा। हाँ, बिल्कुल वही जो आपने सोचा भी, लेकिन भाई उतना बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास बहुत कम है और ये बॉम्ब भी हमारा बहुत छोटा है। तो ये रिएक्शन कितना बड़ा होगा, धमाका कितना बड़ा होगा, उसको देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमारा रिएक्शन कैसा होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बस हमने एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया बस, और उसका दूसरा हमारा कोई मोटिव नहीं है। तो इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि हम अगर इसको करते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ करेंगे, और जिससे कि हमें कुछ नुकसान ना हो। और आप अगर इसको अगर घर पे दोहराते हैं तो हो सकता है आपके साथ कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए इसको घर पर दोहराने की कोशिश ना करें। तो गाइस, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको इस बॉम्ब को बॉटल से अटैच कर लेते हैं। तो गाइस, हमने इस बॉम्ब को इस बॉटल से अटैच कर लिया है, अब बारी है इसको जलाने की, उसके बाद देखना है कि इसको ब्लास्ट होने के बाद इसका रिएक्शन कैसा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, देखा आपने रिएक्शन कैसा था। गाइस, हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया, अगर हमने बोतल को अगर पतला लिया रहता, अगर वो जो मिनरल वाटर का जो बोतल आता है अगर हमने वो यूज किया रहता तो इसका रिएक्शन काफी दमदार देखने को मिल सकता था। हुआ ये कि हमारे ये जो बोतल था वो सोडा का बोतल था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, और पानी का जो बोतल हमारा आता है मिनरल वाटर का, उसकी थिकनेस काफी कम होती है। तो अगर हमने वो यूज किया रहता तो आज हमारा एक्सपेरिमेंट वीडियो कुछ देखने में अलग ही रहता। तो गाइज, अगर ऐसे यूनिक वीडियो अगर हमारे साथ अगर देखना चाहते हैं आप, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियो को लाइक किया और शेयर कीजिए।